जब तक प्रशासन ने मांगे नहीं मानी, ग्रामीण बैठे रहे भूख हड़ताल पर। किरावली में गुरुवार को कई वर्ष पुराने मंदिर को हटाने गई एसडीएम किरावली की ग्रामीणों से नोकझोंक हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि एसडीएम किरावली को वहां से निकलना पड़ा था। तो वहीं ग्रामीणों ने आगरा अछनेरा मार्ग एक घंटे के लिए बाधित कर दिया था, जिस प्रकरण में 4 लोगों पर मुकदमा व 50 अज्ञात में मुकदमे हुए थे, जिससे नाराज ग्राम थापी के ग्रामीण शनिवार की सुबह भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनके साथ राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हो गए। वहीं सपा नेता लाल सिंह लोधी व प्रवीण राजपूत समेत कई नेता भी ग्रामीणों के साथ बैठ गए। तो वहीं सपा नेता सीओ अछनेरा से इस प्रकरण में बात करने पहुंच गए और कहा कि अज्ञात मुकदमों को वापस लिया जाए एवं निर्दोष लोगों को इस प्रकरण में ना फंसाया जाए। तो वहीं सीओ अछनेरा द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस मामले में जल्द ही छानबीन की जाएगी। एसडीएम व ग्रामीणों के बीच नोकझोंक के मामले में ग्रामीणों को समझाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने सीओ अछनेरा व सपा नेता के कहने पर ग्रामीण लगभग 4 बजे भूख हड़ताल से हट गए। किरावली से गफ्फार उस्मानी की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। क्या नाम है आपका? रूप सिंह। क्या मामला हुआ था यहाँ पे? प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी एसडीएम साहब वगैरह आए थे। क्यों आए थे वो? यहाँ के जो मंदिर बने हुए हैं उनको तोड़फोड़ करने के लिए आए थे। जी, तो अब आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हो, क्यों बैठ रहे हो? हम इसलिए भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं क्योंकि हमारे गांव वालों के खिलाफ कम से कम 100 आदमियों के खिलाफ FIR है। जी, सभी को जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से हमारे आस्था के खिलाफ खिलवाड़ किया गया है। हमारी ये रामायण पवित्र ग्रंथ को फेंका गया है। जी, मंदिर को तोड़फोड़ की गई है। जी, हमारे स्वामी जी बैठे थे उनको पकड़ लिया गया है। हमारे 4-5 लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जी, अब आपकी आगे की क्या मांगे हैं? हमारी आगे की मांगे ये हैं, जिन लोगों के खिलाफ FIR हुए, मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ सब मुकदमे खारिज किए जाएं। जी, अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनता है तो अब इससे आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, हमारे गाँव वाले सभी जितने भी गाँव बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी जितने भी हैं सब यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक धरना प्रदर्शन होगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। जी, हमारी मांग यह है कि सभी लोगों के जितने खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी मुकदमे सभी के खिलाफ रद्द किए जाएं। जी, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं आपको पता है? 60-65 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। 18 आदमियों के नाम दर्ज हुए हैं और 55-60 के खिलाफ अज्ञात में आए हैं। जी, 50 नेताजी मंदिर प्रकरण को लेकर थापी गांव में मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि अब क्या कार्रवाई है और आपकी पार्टी द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस दिन घटना हुई, समाजवादी पार्टी के नेता उस दिन भी यहां उपस्थित रहे। जी, और मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ये जो घटना हुई इसकी घोर निंदा करती है। जी, और सबसे बड़ी बात है यहां जब मंदिर स्थल है और जिस तरह घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जो बदतमीजी जो महिलाओं और बाबा के साथ में की गई, ये बहुत ही बड़ी निंदा का विषय है। और साथ में एक बड़ी बात और है, यहाँ 18 लोगों का मुकदमा लिखा जाता है, 50 लोग अज्ञात मुकदमे में, ये कहाँ का न्याय है? एक बार बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग राम मंदिर बनाएंगे और एक तरफ यहाँ जो मंदिर है यहाँ पर लोगों को मारा पीटा जाता है, तो समाजवादी पार्टी इस मामले की घोर निंदा करती है और आपके माध्यम से मांग करती है कि इनके मुकदमे तत्काल वापस किए जाएं और जो स्थानीय प्रशासन ने जो भी गलती की है यहाँ के ग्रामीणों से आके माफ़ी मांगे। अगर ऐसा नहीं करती समाजवादी पार्टी ग्रामीणों के साथ, जहाँ तक जनसन चलेगा समाजवादी पूरी ताकत से इनके साथ रहेगी। ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, तो क्या आप भी उनके साथ में हैं? ग्रामीण हम लोग जो भी हैं, हम लोग ग्रामीणों की सेवा में लगे हुए हैं। अगर ग्रामीण भूख हड़ताल बैठने काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी भूख हड़ताल बैठने के लिए बाध्य होगी। जी, आपके साथ जो प्रशासन द्वारा जो अभद्रता की गई या फिर ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से अभद्रता की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं जीते ठाकुर जी, समाजवादी पार्टी से फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, मैं पूरी गाँव की जनता से कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी पहले तो आपके साथ में तन मन धन से आपके साथ में है, और दूसरी बात मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भगवान राम की पूरी जीवन हमारे आदर्श हैं, उनकी रामायण को जिस तरह से फेंका जाता है और उनके साथ में गलत किया जाता है, तो उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और इस तरह से
जो अमानवीय घटना है जहाँ के लोगों के साथ में जो जेल भेज दिए गए हैं, उन पर केस लगा दिया गया है, उनकी क्या दोस्ता, क्या उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने अपने ग्रंथ को, अपनी रामायण को बचाने के लिए अगर कहीं पे भी उनसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पाप किया नहीं किया है? जब उन्होंने पाप नहीं किया है तो उनको जेल में क्यों डाला गया? उन्होंने गलत किया है तो उनको जेल में क्यों डाला? अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनता है तो आपकी क्या कार्रवाई होगी आगे की? अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोडों पे आएंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जी बिल्कुल। नेताजी मंदिर प्रकरण को लेकर ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, आपकी आगे की क्या रणनीति है? मैं प्रवीण राजपूत, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। दो दिन पूर्व थापी गांव के अंदर बड़ी अमानवीय घटना घटी। बिना सूचना के पुलिस और एसडीएम प्रशासन यहां पर आए जी। और यहां के जो महंत हैं, संत हैं, महिलाएं हैं जो आस्था के प्रति यहां पर भजन पूजन कर रही थी, उनको बिना पूर्व सूचना दिए यहां पर खाली जमीन खाली कराने के लिए आ गई। आकर के उन्होंने इनसे ना तो कोई सूचना दी, ना कोई वार्तालाप की, सीधे बाबा जी या महात्मा जी बैठे हुए उनको बाल घसीटते हुए नीचे गया। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ श्री रामायण जी को उन्होंने अस्त व्यस्त। ये आपका परिचय? मेरा नाम नंदकिशोर कश्यप है और समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ में जिलाध्यक्ष हूँ जी। आपके द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है ग्रामीणों के लिए? देखिए, जैसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ गाँव में जो प्रशासन ने गलत किया है, हम जो पिछड़े समाज के लोग हैं, इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछड़े समाज के लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है? आप प्रदेश में देख लो कैसी घटनाएं हो रही हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? ये जब भाजपा सरकार में आई थी तो नारे दिया था कि हिंदुत्व को एक करो, हिंदुत्व को एक करो, हम हिंदू हैं। हमारे साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव, हम लोग पिछड़ों में आते हैं, लोधी समाज पिछड़ों में आता है, पिछड़ों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इस सरकार के निर्देश में ही प्रशासन ऐसा कार्य कर रहा है। प्रशासन को इन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, गाँव वालों से आकर के। अगर प्रशासन माफ़ी नहीं मांगता है